अरे किधर जा रहे ले सेलिब्रिटी मैम ये मेरा कस्टमर है मिस्टर सुलभ कुमार शौचालय इसको मैं मसाज की AK-47 मसाज देखूं सुअर से भी मोटा चमड़ी मरा नहीं है बहुत अच्छा जा इधर से एक्सीडेंट ए भाग इधर से चल खैर दे दे प्यार दे का टीम आइला जोरदार ताली हो जाए मेरे को ना अजय सर का स्टाइल बहुत पसंद है ये पहली पिक्चर में ऐसा दो बाइक के ऊपर आए फिर मैं गोलमाल में हम लोग देखे ऐसा आज गाड़ी के ऊपर आए आज दो दो हीरोइन लोग के साथ आए जोरदार ताली हो जाए सर मेरे को प्रोमो बहुत अच्छा लगा दे दे प्यार दे का उसमें पूरी पिक्चर में आप बोल रहे दे दे प्यार दे है ना सर सर एक तरफ है तब्बू जी एक तरफ है राकुल फिर भी प्यार के लिए क्यों हो इतने व्याकुल दोनों से प्यार मांग रहा हूँ अच्छा आप तो प्यार मांग रहे सर मेरे को ना सर मेरे किधर से जाऊं मैं हाँ सर मेरे को ना हेल्प चाहिए था सर खबरदार पैसे मांगे तो अरे पिछली बार दिए थे ना हाँ वही पैसा ही नहीं मांग रही सर सर मैं बहुत परेशान क्या हो गया मैं बहुत परेशान हूँ सर नाला सुपर में ऐसा रोड पे निकलती है ना मैं एक गुंडा आता है मेरे को बोलता है मेरे साथ डेट पे चल तू हाँ तो मतलब तू चाहती कि ये तेरे लिए उस गुंडे से लड़े नहीं नहीं गुंडे को तो मैं हाँ बोल दिए मेरे को तो अजय सर से अखरोट तुड़वाना था सर मेरा छावा है ना उधर मुकेश छावा मतलब छावा मतलब बॉयफ्रेंड अच्छा हाँ वो उधर उसका वो बहुत फेमस है आप लोग जानते नहीं उसको नहीं उसका उधर डुक्कर वॉशिंग सर्विस है हाँ हाँ सच्ची में सुअर धोने का काम है उसका सच्ची में हाय रकुल हाय अरे आपने पिक्चर में बहुत अच्छा डायलॉग बोले वो क्या बोला था आपने शौक उम्र देख के पालना चाहिए हाँ, बड़े बुजुर्ग कहते हैं हाँ हाँ शौक उम्र देख मेरे को ना डुक्कर पालने का बहुत शौक है तो कौन सा उम्र में पालू मैं ओए ये कैसी फालतू बातें करने आई तू फालतू बातें नहीं कर रही आई लव डुक्कर डुक्कर लोग के बारे में सोचना चाहिए ना मैम कैसे रहते डुक्कर लोग ऐसे कीचड़ में पड़े रहते बेचारे इतना क्यूट रहते इतना पाउट बना के बैठे रहते फिर भी उनका कोई सेल्फी नहीं लेता है आप लो हाँ उनके साथ एक सेल्फी लो हाँ मैं सेल्फ मेरा तो मैं देखूंगी किसका पाउट बेटर है अरे बिल्कुल मेरा ज्यादा बेटर मेरा जो छावा है ना मुकेश उसने तो अभी डबल डुक्कर खरीदे ला नाला सुपर में हाँ वो ऐसे दो सुअर पे बैठ के नाला सुपर में निकलता है तो पूरा मार्केट में लोग बोलते वो देखो तीन सुअर जा रहे ले सच्ची में और वो आपका गाना है ना वो बहुत उधर हमारा फेमस है वो छई छप्पा के छई तब्बू जी के गाने सुनता है नहीं नहीं वो डुक्कर धोते तो ऐसी आवाज आती है छई छप्पा के छई ऐसा करके अजय सर मुकेश बहुत बड़ा फैन है सर आपका वो आपका पूरा स्टंट कॉपी करते एक दिन ना हाईवे पे ऐसा बाइक के ऊपर पैर डाल के निकल गया हाँ फिर बाद में खंबा आ गया उधर फिर क्या वो बैठ के पूरा खंबा पी गया बेवड़ा है ना वो अजय सर का इतना बड़ा फैन है ना वो मतलब वो तो बोलता है मैं इलेक्शन में अजय सर को ही वोट देगा ऐसा मैं उस पर भड़क गई मैंने बोला अजय सर किधर खड़े है बोले वो जिधर भी खड़े उधर वोट देगा मैं उनको सर अपने घर का लेटर बॉक्स चेक करना उधर वोट जरूर डाला रहेगा उसमें हाय खैर तब्बू मैम मैं इतनी देर से इतना बात कर रही आपने मेरे को पहचाना क्या मैं चांदनी बार में थी चल झूठी कहाँ थी तू चांदनी बार में अरे जब रेड पड़ी थी मेरे को ही सबसे पहले उठा के लेके गए थे वो अच्छा आपने साउथ का बहुत फिल्म किया है ना जी वो आपका पिक्चर कौन सा था वो थीरम आदि गरम ओंद्रू थीरन आदि गरम ओंद्रू ओंद्रू हाँ वो 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 पिक्चर से ना मेरा नाला सुपारा में बहुत वट हो गया है मालूम है वो कैसे उधर क्या कभी कोई लफड़ा होता है ना हाँ। मैं सब बालकनी पे खड़ी होके बोलती है थीरन आदि गरम ओंद्रू थीरम आदि गरम ओंद्रू ऐसा बोलती है मैं उन लोग को लगता है कुछ ना कुछ बोले लिए सब डर के भाग जाते ऐसा रहता है बोल ली तूने जितनी बातें बोल ली कैसे बोल ली मेरे को मेरे को जरा बैठने मेरे को ना मसाज का आ जा मेरा इधर ना सपना ब्यूटी पार्लर है
तो हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं मैम. किस टाइप का मसाज? जैसे सर आपका फिल्म आया था कच्चे धागे, तो हमारे पास कच्चे धागे मसाज है. कैसे? इसमें क्या है मतलब? इसमें हम कस्टमर को पहले ऐसा तेल लगाते हैं, फिर उसके कच्चे से जितने धागे निकल कच्चे से जितने धागे निकलते हैं उससे हम पहले उसकी थ्रेडिंग करते हैं. और फिर उसका मसाज पूरा करके उसको ऐसे लात मार के भेज देते हैं. कच्चे के बिना? क्योंकि धागे की जरूरत हमको भी पड़ेगी ना थ्रेडिंग के लिए, हमारे पास धागा रहता नहीं है, उसको ऐसे ही भेज देते. ये हम लोग का स्टाइल है. फिर मैम हमारे पास चीनी कम मसाज है. उसमें क्या करते हैं हम लोग, चाइना से दो चीनी मंगाते हैं हम लोग और उनको तेल लगाते हैं और उनको ग्राउंड फ्लोर पे रोड पे खड़ा कर देते हैं. फिर मैं खिड़की पे आती है, बोलती चीनी कम चीनी कम, ऐसा करके चीनी कम मसाज रहता है. फिर आपके लिए एक और स्पेशल है मसाज हमारे पास, अंधाधुन मसाज है. उसमें क्या करते हैं कस्टमर को पहले हम रोमांटिक धुन सुनाते हैं. अच्छा. फिर जैसे वो मेरे प्यार में अंधा हो जाता है फिर उसकी मैं मसाज कर देती हूँ. सर ये तो सुनने लायक है आप दोनों के लिए, दृश्यम मसाज. इसमें क्या है? ये क्या है? इसमें क्या करते हैं हम कस्टमर को डायरेक्ट बिल थमा देते हैं. अच्छा. तो वो टेंशन में आ जाता है, बोलते अरे हमारी मसाज तो मेरी हुई नहीं है. तो हम उसको याद दिलाते 2 अक्टूबर पंजीम. बाबा जी का संगीत, वहां पर तेरा मसाज हुआ था, ऐसा करके बार बार याद दिलाते फिर भेज देते. फिर हमारे पास एक मसाज है स्पेशल आपके लिए, इंगे एने द कविदय मसाज. इंगे एने द कविदय मसाज. इसमें क्या है? इसमें जैसे आप लोग नहीं समझे कस्टमर भी कुछ नहीं समझते. तो ऐसा अलग अलग टाइप का मसाज है, आपको जब भी करवाना रहेगा आइएगा मैम. सोचूंगी. हाँ जय सर, चलूँ मैं? प्लीज सर. बोल बच्चन 2 कब बना रहे आप? या तो चलो पिक्चर नहीं चला रहता तो मैं बार बार नहीं बोलती. सही बात है. पिक्चर सुपर हिट है. मैंने आते ही बोला बोल बच्चन की टीम है ये, देखो हम तीनों है ना. तो सर ये उधर तक ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी टीम? जब कोई अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा. जब भी हमेशा बोलते सर आपकी तो फिल्म आती रहेगी, आप आते रहेंगे, मैं आपको हमेशा पकड़ेगी याद सर. दिलाती रहूंगी. मैं याद दिलाती रहेगी. बाय. रकुल तबू. अजय सर आपकी फिल्म तो बहुत पैसा कमाएगी, उससे तो जो कमाई होगी सो होगी, लेकिन हम यहाँ पे आपको मौका देते हैं बहुत सारी चीजें कमाने का, जो हमारा खेल होता है के भैल करोड़पति. नमस्कार नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति. आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो ना बांद्रा से हैं ना खार से, ये तो हैं दे दे प्यार से. सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस, इनको लोग बाजीराव सिंगम भी कहते हैं. ये काफी अमीर हैं इसलिए जुहू में रहते हैं. प्लीज वेलकम अजय देवगन जी. और हमारी दूसरी मेहमान वो जिनका टैलेंट देख के बौखला जाते हैं, चिंटू मिंटू और डब्बू, द वेरी रैविशिंग तब्बू. अगली है वो अदाकारा जिनकी खूबसूरती का बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक गाते हैं लोग गीत, द प्रिटी एंड क्यूट रकुल प्री. इसके आगे इंट्रोड्यूस करना तो बनता नहीं है, फिर भी मजबूरन कर रहे हैं. हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं सपना मसाजिस्ट. वाह. जो चलाती हैं अपना दिमाग जरूरत से ज्यादा. इन पर रिसर्च चल रहा है कि ये नर हैं कि मादा.
अबे ओ कद्दू के कजिन ब्रदर चपड़ चपड़ जबान में तेरे बारे में बोलूं क्या मैं? आपको पता है अजय सर, जब इसके तबेले में कोई लड़की आती है ना तो उसको बोलता है मेरे को जानू बोलो, मैं तुम्हें 1 किलो पनीर फ्री में दूंगा। हड़ताल के दिनों में पैदा होने वाली औरत, अगर हम पनीर बांटते हैं तो तुम्हारा दही क्यों फट रहा है यार? मेरे दही के बारे में ज्यादा मत बोलना, तेरा पनीर तोड़ डालेगी मैं इधर, समझा? अजय सर, वैसे इस लेडी को आप अवॉइड कर सकते हैं, बाकी आप दोनों तो नारी हैं, उस नाते आप पीट भी सकती हैं इन्हें। यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए हम खेला आगे बढ़ाते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ टेलीफोन ऑपरेटर, एक ट्रम्प कॉल लगाना। हाँ हेलो, ट्रम्प 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 ट्रम्प, हेलो डोनाल्ड ट्रम्प। अब मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी, ये अमेरिका में हाफूस और चौसा आम का भाव क्या है? नहीं पता आपको? बिल्कुल नहीं पता? अच्छा, कुकुर मुद्दा सुना आपने? चिलगोजा? नहीं तो पहले अपनी नॉलेज ठीक करो, अमेरिका बाद में संभालना। फोन रखो मेरा क्या? अच्छा मैंने किया है तो खबरदार, आगे से मेरा फोन उठाया तो। हाँ, ओ माई गॉड, अजय देवगन साहब आए, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। हाँ, सिंघम से ज्यादा रिटर्न हमारे जो भी रिटर्न आते हैं ये, बहुत हमें स्वागत है। आपकी फिल्में इतना पैसा कमाती हैं, गोल्ड मार रिटर्न, सिंघम रिटर्न, एक दिन देखना आपकी फिल्म आएगी इनकम टैक्स रिटर्न। तबू जी, भगवान के लिए मुझे हक दे, मुझे हक दे। मुझे गले लगा के बड़े बड़े स्टार्स को जला दो। तब आप बोलो हुक, बोलो हुक, हुक, रुक रुक रुक। अरे तबू जी, क्यों ना आज इस दोस्ती को किश्तेदारी में बदल दिया जाए? किश्तेदारी? किश्तेदारी क्या होती है? रिश्तेदारी होती है। मुझे अपनी किश्तें भरनी है। मैं आपकी मांग भरता हूँ, आप मेरी किश्तें भर देना। ओ अंकल, आप ना जरा अपना स्टेटस देख के बात किया करो। मैं स्टेटस देख के बात कर रहा हूँ नकली औरत? मैं आज का मेरा स्टेटस है हैशटैग फ्रस्ट्रेटेड दूल्हा। ए बकवास मत करना ज्यादा। आपको पता है तब्बू जी को कॉलेज में कोई छेड़ता था ना? हाँ। तो अजय सर उसको बहुत पीटते थे। अच्छा? हाँ। मैं तो रकुल से मिलने आया, मैं तो आया नहीं तब्बू जी से मिलने। आप मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, थोड़ी सी शादी मैं आपसे भी कर सकता हूँ। थोड़ी सी शादी क्या होती है? थोड़ी शादी जैसे वो लड़का लड़की माँ बाप को झूठ बोल के जाते ना कि हम कई दोस्त के घर जा रहे हैं और चले कहीं और जाते हैं आइसक्रीम खाने, उस हिसाब से। थोड़ी सी शादी। यारोरा साहब द्वारा की हुई हर बात पे हम पानी फेरते हैं। ओए खबरदार, इधर सुसु किया दो, बकवास करता है। क्या बात कर रहे हैं हम? अभी तुमने बोला पानी फेरो। आपकी वाहियात बातों को रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं, बर्खास्त करते हैं, ये कह रहे हैं। अच्छा तो सीधा बोलना पानी फेरते। अंकल अंकल, आपने वो एवेंजर्स के थानोस के बारे में सुने लाए? हाँ। तो उससे जाके मार खाओ ना। चलिए हम खेला शुरू कर रहे हैं। अब खेला शुरू करने से पहले आपको बताते हैं आपकी फिल्म का जो है टाइटल है दे दे प्यार दे, वहां पर आप अपनी फिल्म में प्यार मांग रहे हैं, तो इसलिए आज हम भी आपको धनराशि नहीं देंगे, प्यार में उपयोग होने वाली कुछ अच्छी वस्तुएं आपको दी जाएंगी इनाम में। फॉर एग्जाम्पल रेड रोज, प्यार के बड़े काम आता है, तो एक रेड रोज के लिए पहला सवाल ये रहा, आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला सवाल है, सिंघम फिल्म में आपका डायलॉग है सर कि मेरी जरूरत कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है, तो यहां पर हम जानना चाहते हैं कि आपके जमीर में जो दम है वो कौन सा दम है? ऑप्शन ए दम मारो दम वाला दम, ऑप्शन बी दम लगा के हिस्सा वाला दम, ऑप्शन सी दम आलू वाला दम, या ऑप्शन डी ये वाले ऑप्शन में दम नहीं है तो हम ऑप्शन दे ही नहीं रहे। मैं एक मिनट सोनी साहब से बात करना चाहता हूँ। हेलो सोनी साहब, कैसा भाई याद होस्ट रखा है आपने, ऑप्शन भी पूरे नहीं है, बोलता है खेला शुरू करेंगे खेला, उस दिन धोती बांध के नहीं आया, मेला शुरू हो गया था इधर। हाँ आज की इसकी पॉकेट मनी कैंसिल करो, 10 रुपए भी नहीं देना इसको, भाई याद आदमी। क्या आप लंबी लंबी फेंकते रहते हैं यार, इतना फेंकने का शौक है बाहर जाके कूड़ा फेंकिए ना। वाह
डस्टबिन खुद बोल रहा है कूड़ा फेंक गया। यू सी सर, कैसा दिल जले टाइप के लोग लेके बैठे हैं हम यहाँ। एनीवे सर, कौन सा ऑप्शन सही है मैम, बताइए क्या लगता है आप? बताओ। दम तो हो नहीं सकता क्योंकि सिंगम तो कभी दम मारता नहीं है। दम लगा के हाइशा बी, दम लगा के हाइशा। लेट मी चेक। अफसोस, आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। आप जीतते हैं ये लाल गुलाब। प्लीज हैव इट। ओए बिल्कुल ऐसे फूल मत ले जाइए, बदतमीज आदमी। क्या कर रहे हैं आप, ये फूल ले जा, ये इस जाड़ी से फूल कभी नहीं लेना, ये पैसे मांगता है बाद में। एक फूल और होता मैं, आप इधर देखो है, एक फिल्म आई थी क्या कुल है, आपको लेके मैं फिल्म बनाऊंगा क्या रकुल हो तुम। ये गमला, आप ये फूल इस्तेमाल करने के बाद गमला मेरे को देना है। चल भाई शुरू कर। क्या शुरू कर, क्या मतलब यहाँ पर? ए भाई, यहाँ पर आप तबू जी को प्रपोज कर रहे हैं, आप रकुल जी को प्रपोज कर रहे हैं, कुछ ईमानदार है कि नहीं आपका? इन्होंने अपनी फिल्म में बोला है पुरानी गाड़ी के अपने फायदे नहीं का अपना मजा है। अंकल अंकल, आपको पता है एक बार ना मुर्गी ने ना समुंदर के बीच में अंडा दिया। अच्छा। हाँ, उसके अंदर से ना दो हाथी निकले। अच्छा। फिर उसको देखकर धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा। अच्छा। और फिर वो शॉट देखकर अजय जी ने गाना गाया। ये क्या बकवास बातें कर रही है? तो आप कौन से इधर जीएसटी का फॉर्म भरना सिखा रहे हो? आप भी तो बकवास ही कर रहे हो। ये औरत तेरे बारे में बता दूंगा मैं, जेंट्स टॉयलेट में जाती है। चलिए अनप्लान्ड मनुष्य, थोड़ा सा शांति का परिचय दीजिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो हम खेल आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि देखा गया है तबू जी, अजय जी, रकुल जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब रोमांस होता है दो लोगों के बीच तो वो कैंडल लाइट डिनर पे जाते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो कैंडल लाइट डिनर के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल है तबू जी, एक बहुत ही चर्चित गीत था आपका, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। काफी अग्रेसिवली, काफी क्वांटिटी पे रंग मांगा है आपने इसमें। सवाल यही है अग्रेसिवली कि आप रंग क्यों मांग रहे हैं? वाई? ऑप्शन ए, क्योंकि आप रंग लेकर होली खेलना चाहती हैं इसलिए रंग दे। ऑप्शन बी, ये रंग लेकर रंगारंग कार्यक्रम करना चाहती हैं आप इसलिए रंग दे। ऑप्शन सी, ये रंग लेकर आप गिरगिट की तरह रंग बदलना चाहती हैं। या फिर ऑप्शन डी, ये रंग आप इसलिए मांग रही हैं इसे लेकर आप रंगून जाना चाहती हैं। मुझे पता है। आपको क्या पता है? ये रंग इसलिए मांग रही है ताकि दे दे प्यार दे फिल्म में नई गाड़ी को रंगे हाथों पकड़ सके। अंकल जी, अंकल आप ना सांप को लस्सी पिलाया करो। सांप लस्सी पीता ही नहीं, दूध पीता है। हाँ, तो जैसे आप लस्सी दिखाओगे गुस्से में आपको डंक मारेगा, आप शांत हो जाओगे। ऐसा करो, मजा आएगा बहुत। नेवले के मुंह से जामुन छीन के खाने वाली औरत, ऐसी बद्दुआ दूंगा तेरे घुटने पे मुझे निकल आएगी, फिर तेरा बॉयफ्रेंड ताप दे के निकल जाएगा उसको। क्या बात किया है, इनको इग्नोर करते हैं। तो इतना रंग क्यों मांग रही हैं आप? उस जमाने में सस्ता मिलता था ना सर। सस्ता मिलता था इसलिए एकदम बल्क में मांग रहे हो। लेट मी चेक। इस बार तो सही जवाब दे दिया है आपने, बहुत खूब। आप कैंडल लाइट डिनर के लिए कैंडल जीतते हैं, लेकिन लेकिन हम आपको एक कैंडल देंगे नहीं, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आप लोग काफी एकदम फिटनेस फ्रीक टाइप के लोग हैं, आप लोग 7 बजे से पहले ही खाना खा लेते हैं। अब अंधेरा होता ही नहीं है तो कैंडल का करेंगे क्या? सो नो कैंडल, कैंसल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो हम पूछेंगे ये एक नारियल विद 3 स्ट्रॉ के लिए। रोमांस देख रहे हैं आप सर? 2 स्ट्रॉ नहीं, 3 स्ट्रॉ मिल बांट के खाइए। वी एडेड रोमांस मतलब। तो एक नारियल और 3 स्ट्रॉ के लिए अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल है, आप लोगों की फिल्म है दे दे प्यार दे। हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि इस फिल्म में अभिनेता अभिनेत्री से
कितना प्यार मांग रहे हैं, लाइक क्वांटिटी, हाउ मच. आपके ऑप्शन है ए, जितना हम फ्री में धनिया मांगते हैं नॉर्मल उतना ही प्यार मांग रहे हैं. ऑप्शन बी, जितने में कोई देख ना ले उतना प्यार सही है. ऑप्शन सी, जितनी उनकी श्रद्धा हो अभिनेत्री की उतना प्यार दे दे, अभिनेता को कोई ऐसी आपत्ति नहीं है. या ऑप्शन डी, जीएसटी और टीडीएस काट के जितना बचता है उतना प्यार दे दे. कहां बचता है आजकल की जी, वाला अच्छा है जीएसटी टीडीएस काट के जी, वही है सर, वही है सी. हां सी. आप लोगों को क्या लगता है? मेरे को ये लगता है प्यार कोई खिलौना नहीं है कि जो मांगो तो मिल जाए. इसके लिए बहुत सारे पापड़ बेले पड़ते हैं. तो कॉफी पिलाओ, शॉपिंग कराओ, पिक्चर दिखाओ, बाबू सोना, बेबी सोना, मेरे बेबी ने खाना खाया के लिए, ले 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 ले, ये सब करो. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.